नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी और आज 28 सितंबर है और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगत सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने किया उन्हें नमन। अक्टूबर में 5 और राफेल विमान पहुंचेंगे भारत। कृषि कानून के विरोध का नेतृत्व कर सकते हैं राहुल गांधी। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 50 लाख के पार। दिल्ली में जल्द ही सर्दियां देंगी दस्तक। यूपी में कमर्शियल गाड़ियों को लेकर लागू हुआ नया नियम। राजस्थान में कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस लेगी गांधीगिरी का सहारा। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें। अपडेट तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज 113वीं जयंती है, जहां इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को याद करते हुए कहा कि वीरता एवं पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल विमान सौंप दिए हैं, जहां माना जा रहा है कि अक्टूबर में दूसरे बैच के ये 5 राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। खबर है कि इन्हें पश्चिम बंगाल में कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा ताकि चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली हो सके। खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस सप्ताह पंजाब में किसानों द्वारा किए जा रहे कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को संसद से पारित किया है, जिसके विरोध में देश भर में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एक निजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है और कोरोना कब खत्म होगा इस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं, जहां भारत में अब तक कोरोना के 50,16,520 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 60 लाख से अधिक हो गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में 31 सितंबर से मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक शुरू होने वाली है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई 1 अक्टूबर को बैठक के फैसले का खुलासा करेगी, लेकिन अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम है। शिवसेना ने कहा कि किसानों के हित में एनडीए से बाहर आने का शिरोमणि अकाली दल का फैसला सराहनीय है। गौरतलब है कि भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए छोड़ने वाला अकाली दल शिवसेना और टीडीपी के बाद तीसरा दल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे, जहां आईएमए में 2 सुरंगों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज लोन मॉरेटोरियम मामले की सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल आज केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से समय मांगा और कहा कि वो इस मामले में आरबीआई से बातचीत कर रही है और बहुत जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में अब जल्द ही सर्दियों का मौसम आने की संभावना है और इस बार मानसून की मेहरबानी के बाद ठंड भी अच्छी पड़ने की उम्मीद है। साथ ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली वासियों को अगले सप्ताह से उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले सप्ताह से गिरावट आने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार आज अनलॉक 5 का ऐलान कर सकती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अब कौन सी रियायतें देती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जानकारी दी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के बारे में नए रेगुलेशन को नोटिफाई कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएनजी से भी कम उत्सर्जन वाले एचसीएनजी की टेस्टिंग पूरी हो गई है। आज यानी 28 सितंबर से पूरे यूपी में कमर्शियल गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट गाड़ियों के तर्ज पर ही कमर्शियल गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन डीलर के जरिए ही किया जा सकेगा। राजस्थान में 947 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी है, जहां आज मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ है। आपको बता दें कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के दौरे पर हैं, जहां इस दौरान वे उन्नाव में आज 131.5 करोड़ रुपए से हुए विभिन्न कार्य का लोकार्पण और 24 करोड़ के कार्य का शिलान्यास करेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए कृषि विधेयकों और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी देने पर निराशा जताई और कहा कि ये निराशाजनक और दुखदायक है। हरियाणा में सत्ता में भागीदारी की प्रतीक्षा कर रहे बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। दरअसल खबर है कि बड़ौदा उपचुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा और जसपा के कई नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है।
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भी कोरोना हो गया है, जहां फिलहाल वे रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती हैं। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में 2 नवंबर से स्नातक की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जहां इसका फैसला राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्चतर शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के बीच हुई एक बैठक में हुआ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से आगे आकर गांधीगिरी के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक करने की अपील की है। गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार नए उपाय कर रही है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।